हेलो बेटा, क्लास फोर। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हार की जीत। बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 11 खोलिएगा, ठीक है? आप लोग अपने अपने बुक्स में देख ही रहे होंगे। चलिए, माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। ठीक है, बाबा भारती के ऊपर ये कहानी है बेटा। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, ठीक है? जिस प्रकार से किसान को अपने अच्छे खेत, हरे भरे खेत देख करके खुशी मिलती है, माँ को अपने बेटे को देख करके खुशी मिलती है, साहूकार को अपने देनदार को देख करके खुशी मिलती है, ठीक उसी प्रकार से बेटा क्या होता है, बाबा भारती जो है उनको अपना घोड़ा देख करके वो खुशी मिलती है। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, ठीक है? जो भी समय उनके पास बचता भजन कीर्तन के बाद, वो सारा समय घोड़े को दे देते। वो घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत बलवान था, ठीक है? उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, मतलब कहीं भी उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में देखने को नहीं मिलता था। बाबा भारती उसे बाबा भारती उसे क्या कह करके बुलाते थे? सुल्तान कह करके बुलाया करते थे, ठीक है? अपने हाथ से खरखरा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, बाबा भारती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, पैसा, असबाब, ज़मीन, सब कुछ छोड़ दिया था। अब एक गाँव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असहाय थी। मतलब वो बाहर रहते थे गांव से और किसी तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ सकते थे, लेकिन वो सुल्तान को नहीं छोड़ सकते थे। सुल्तान को छोड़ने का कष्ट वो कभी अपनी ज़िंदगी में सह नहीं सकते थे, ठीक है? वे उसकी चाल पर लट्टू थे, मतलब उनको उसकी चाल बहुत पसंद थी सुल्तान की। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घनघटा देख कर नाच रहा हो। उनका कहना था कि सुल्तान ऐसे चलता है जैसे मोर घनघटा देख कर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, तब तक उन्हें चैन ना आता था। मतलब जब तक वो सुल्तान के ऊपर बैठ करके 8-10 किलोमीटर घूमने लेते थे, तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। हाँ, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुँची। मतलब खड़क सिंह वहाँ का एक डाकू था बेटा, और उस डाकू से सभी लोग डरते थे। खड़क सिंह को भी पता चला उस घोड़े के बारे में, ठीक है? उसका हृदय उसे, अब वो उस घोड़े को देखने के लिए परेशान हो गया खड़क सिंह। वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिन वो बाबा भारती के पास गया, नमस्कार किया और उनके पास बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा है। खड़क सिंह ने क्या कहा? ये आपकी कृपा है। बाबा भारती ने पूछा, कैसे हो? तो खड़क सिंह ने कहा, बस आपकी कृपा है। कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच रहे। तो उन्होंने पूछा कि इधर कैसे आए? तो उन्होंने खड़क सिंह कहता है, सुल्तान को देखने की इच्छा हुई इसलिए यहाँ चला आया। विचित्र जानवर, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। तो बाबा भारती क्या कहते हैं, बहुत अजीब जानवर है, देखोगे तो खुश हो जाओगे। तो खड़क सिंह भी कहता है, मैंने भी बहुत तारीफ़ सुनी है इसीलिए आया हूँ। चलिए बेटा यहाँ तक पढ़िए, इसके आगे आपको आगे बता